नमस्कार दोस्तों, द गार्डनिंग माई लाइफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, घर पे हम एलोवेरा लगाते हैं तो कई बार गमलों में एक्स्ट्रा एलोवेरा हो जाते हैं, तो जिसको या तो हम उखाड़ के फेंक देते हैं या वो पड़े पड़े सड़ जाते हैं। तो उसी से आज मैं आपको बता रहा हूँ कि खाद कैसे बनाएं, जो कि पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, न्यूट्रिशन देने वाली, फास्फोरस, पोटेशियम काफ़ी मात्रा में इससे पौधों को खनिज मिलते हैं। तो जैसे आप एलोवेरा को काटते हैं तो उसकी एक स्लाइस बना लें, ऐसे स्लाइस बनाने के बाद उसको बारीक बारीक चॉप कर लें, ऐसा कि आप देख रहे हैं। बारीक बारीक चॉप करने के बाद ये देखिए, आज मैंने कम से कम 10-12 गमलों की सफाई की है। मैं आपको दिखाता हूँ, जो छोटे छोटे नए प्लांट्स थे उनको हमने अलग गमलों में शिफ्ट कर दिया, जो एक्स्ट्रा बचे थे उसको आज हमने चॉप कर लिया है सबको। चॉप करने के बाद आपको पहले गमले में या किसी भी पॉट में या ग्रो बैग में पहले नीचे मिट्टी डाल लेनी है। मिट्टी डालने के बाद, एक लेयर मिट्टी के डालने के बाद, आप उसमें इस तरह चॉप किए हुए एलोवेरा डालें। एलोवेरा डालने के बाद उसमें फिर ऊपर से मिट्टी डाल के उसको अच्छे से ढक दें। ये देखिए, उसको थोड़ा सा अच्छे से ढक के, और उस पे थोड़ा थोड़ा दोस्तों पानी का छिड़काव करके और उसको छाया वाली जगह में रख दें एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के बाद देखेंगे दोस्तों, आपको एलोवेरा मिलेगा ही नहीं उसमें, उसके अंदर मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ खाद। और दोस्तों, नया चैनल है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा साथ दें, ऐसी नई से नई जानकारी आपको मिलती रहेगी और इसका जल्दी हम आपको एक हफ्ते बाद अपडेट भी देंगे। धन्यवाद दोस्तों।